Assalamu alaikum, how are you all? You all are again warmly welcome to our cooking channel Sensational Food. In this new video, you can see how to make crunchy, crispy, KFC style chicken popcorn at home with this simple and quick recipe. तो आइए बनाना शुरू करते हैं ये क्रंची क्रिस्पी केएफसी स्टाइल चिकन पॉपकॉर्न। तो चिकन पॉपकॉर्न बनाने के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे पूरा एक चिकन ब्रेस्ट पीस, जिसको मैंने स्मॉल स्मॉल क्यूब्स में काट लिया है। सारे क्यूब्स इक्वली साइज़ में हमें काटने हैं। इन चिकन क्यूब्स को अब हम आधे घंटे के लिए 1/3 कप मिल्क और पिंच ऑफ सॉल्ट डाल के रेस्ट करने के लिए रख देंगे। दूसरी तरफ हम लेंगे 1 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट लेंगे, यहाँ पे मैं पिंक सॉल्ट ले रही हूँ, और गार्लिक पाउडर ले रही हूँ 1 टीस्पून, 1/4 कप ले रहे हैं कॉर्न स्टार्च फ्लावर, 1 कप फुल ले रहे हैं हम मैदा, और एक एग चाहिए होगा हमें। एक बड़े बाउल में हम मैदा, कॉर्न स्टार्च और सारे स्पाइसेस भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। गार्लिक पाउडर, वाइट पेपर पाउडर, पिंक सॉल्ट, पेपरिका पाउडर और ऑप्शनल में हम यहाँ पर डाल रहे हैं अनियन पाउडर। अब इन सब चीज़ों को आपस में बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और एक तरफ रख देंगे। दूसरी तरफ जो चिकन है उसका जो मिल्क है हम एक बाउल में अलग निकाल देंगे, और अब हम इन चिकन पीसेस में एक अंडा तोड़ के डालेंगे और उस अंडे को हम इसमें बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फोक की हेल्प से फेंट लेंगे इसी में, देखिए इस तरह से। इसमें मैं यहाँ पर 1/2 टीस्पून कस्तूरी मेथी ऐड कर रही हूँ। आप अपनी चॉइस का कोई भी हर्ब यूज़ कर सकते हैं, लाइक रोजमेरी और ओरिगानो, कोई भी फ्लेवर जो भी आप पसंद करते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और देखिए हमने यहाँ पर एग के साथ इन चिकन पीसेस को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब जो मैदे में जो हमने स्पाइसेस डाल के रखे हैं, ये जो चिकन पीसेस हैं इसमें से 1/2 हम पहले डालेंगे इस मैदे में, और उसको अच्छी तरह से हम कोट कर लेंगे। सारे चिकन पीसेस हमें एक साथ नहीं डालने हैं, वो इसलिए कि बहुत ही मैसी सा हो जाएगा और कोटिंग भी इस पर अच्छी तरह से नहीं हो पाएगी मैदे की। इसलिए आप पहले कुछ पीसेस को अच्छी तरह से कोट कर लें इसमें, और जब ये मैदे में बहुत अच्छी तरह से इसकी कोटिंग हो जाए, चारों तरफ से कवर हो जाए मैदे में, एक प्लेट में हम इन सब पीसेस को निकाल लेंगे। फिर सेकंड बैच में भी हम सेम इसी तरह से करेंगे, और कोटिंग करने के बाद हम बड़ा छन्नीदार स्पून से हम इसको इस तरह से देखिए बाहर निकाल लेंगे पीसेस को सारे। इसके बाद एक बाउल में हम चिल्ड वाटर लेंगे और ये चिकन पीसेस हम इसमें डालेंगे, और 30 सेकंड रेस्ट करने के बाद हम वापस मैदे में डालेंगे और उसमें अच्छी तरह से कोटिंग कर लेंगे। और सेम सेकंड बैच में भी हम पानी में डालेंगे पीसेस को, वापस हम मैदे में इसको कोट कर लेंगे। अच्छा, अब मैं यहाँ पर दोबारा कोटिंग कर रही हूँ एग में, देन उसके बाद मैं मैदे में वापस इसको कोट करूँगी। वो इसलिए कि इसकी जो ऊपर की लेयर है थोड़ी थिक बनेगी और उससे बहुत ज़्यादा ये क्रिस्पी हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं ज़्यादा क्रिस्पी तो ये आप रिपीट कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो एक ही स्टेप काफ़ी है। अब इन सारे चिकन पीसेस को हम एक प्लेट में अलग निकाल लेंगे, और सेकंड बैच के भी हम पीसेस निकाल लेंगे। देखिए कोट हो चुके हैं अच्छी तरह से। एक पैन में हम बहुत अच्छी तरह से ऑयल को गरम करेंगे और उसको चेक करेंगे कि वो गरम हुआ है या नहीं। तो थोड़ा सा हम आटा इसमें डालेंगे और ये देखिए ऊपर उठकर आ गया है, यानी कि ऑयल बहुत अच्छी तरह से गरम है। अब 1 by 1 करके हम सारे चिकन पीसेस यहाँ पे ऑयल में डाल देंगे। सारे चिकन पीसेस नहीं डालने हैं हमें, 7 से 8 पीसेस आप एक बार में कर लें, और जब ये चिकन पीसेस एक तरफ से अच्छी तरह से सेक जाएंगे, आप इसको 1 by 1 करके इस तरह से टर्न कर दें। गैस का फ्लेम हमें ओवर मीडियम रखना है और इसको बहुत अच्छी तरह से सिकने देना है। एक तरफ से कम ये चिकन पॉपकॉर्न 3 से 4 मिनट लेंगे सिकने के लिए। ये चिकन पॉपकॉर्न बहुत ही माउथ वाटरिंग बनते हैं, उसका रीज़न है आपने जो अंदर मिल्क डाला है उससे बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आता है इसमें। एग वॉश जो किया है उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, प्लस जो कॉर्न स्टार्च और मैदा यूज़ किया है उससे बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, और मैदा के अंदर जितने भी स्पाइसेस आपने यूज़ किए हैं उसका फ्लेवर, उसका टेस्ट बहुत ही यमी आता है। और ये देखिए चिकन पॉपकॉर्न एक तरफ से बहुत अच्छी तरह से सिक चुके हैं, लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अब हम इसको टर्न कर देंगे और जहाँ से जो पीसेस नहीं सिके हैं उसको भी हम सेक लेंगे। ये क्रिस्पी से यमी से चिकन पॉपकॉर्न घर पे बनाना मिनटों का काम है, 10 मिनट में मुश्किल से ये बनके तैयार हो जाते हैं।
और ये देखिए बहुत अच्छी तरह से हमारे ये पॉपकॉर्न सिक चुके हैं। अब हम इसको एक प्लेट में टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लेंगे, वन बाय वन ही निकालेंगे ताकि उसका जो एक्सेस ऑयल है वो उसी में रह जाए। और सेम मेथड से ही हम दूसरा बैच भी इसमें इसी तरह से सेक लेंगे, वो उसमें भी 7 से 8 मिनट लगेगा। और छन्नीदार स्पून की हेल्प से हम इस तरह से पॉपकॉर्न्स को निकाल लेंगे ताकि इसमें कोई भी एक्सेस ऑयल ना रहे, और टिश्यू पेपर ज़रूर रखेंगे ताकि जो भी एक्सेस ऑयल है वो सारा निकल जाए। ये देखिए बहुत ही हेल्दी से, क्रिस्पी से, माउथ वाटरिंग से चिकन पॉपकॉर्न बन के बिल्कुल तैयार है। इन चिकन पॉपकॉर्न को आप गर्म गर्म सर्व करें कैचअप या फिर अपनी किसी भी फेवरेट सॉस के साथ। आप खुद देखिए कितना क्रिस्पी और कितना यमी बना है। मैं एक बाइट लेती हूँ। वाओ, बहुत ही टेस्टी बने हैं। आप इस पॉपकॉर्न रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। फ्रेंड्स, आई एम डैम श्योर इफ़ यू मेक दिस KFC स्टाइल चिकन पॉपकॉर्न एट होम, आप KFC जाना भूल जाएंगे। सो आई होप यू लाइक दिस डिलीशियस, फ्लेवरफुल, क्रिस्पी एंड क्रंची KFC स्टाइल चिकन पॉपकॉर्न। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरी रेसिपी पे लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। तो हमें याद रखिए।